आजकल ऐसे ऐसे केस देखे जा रहे हैं जैसे बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें लड़कों को झूठा फंसाया जा रहा है अच्छा अभी जो भारतीय सभ्यता जो आई है आईपीसी को बदल करके हमने जो भारतीय उसमें केस जो है जो सेक्शन सेवेंटी टू बना है उसमें क्या कर दिया गया है कि आपका अब देख रहे हो लिविंग उत्तराखंड यूसीसी आया है आपने यूनिफॉर्म कोड में देखा है कि अब, अब लिविंग में भी गया, अगर वो लड़की ने अपने क्लेम कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा ये देना पड़ेगा वो देना तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम पुरुष के अधिकारों को पुरुष की मान महिलाओं को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं मतलब एक समाज है ना हमारे सरकार जो इतना ज्यादा वो कर रही है कि महिलाओं को देखने के लिए पुरुषों के अधिकार को वो कर रही है अलग कर रही तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगी नारी के अधिकारों को लड़ते लड़ते नारी के अधिकारों को लड़ते रहते कहीं पुरुष रूपी जज्बात न पीछे छुप जाए बराबरी की इन लड़ाई में बराबरी की इस लड़ाई में कहीं फिर से एक पहिया न पीछे पंक्चर रह जाए ऐसा नारी के अधिकारों को लड़ते लड़ते कहीं पुरुष रूपी समाज न पीछे रह जाए एक के की लड़ाई में एक के आजकल भी देखेगा कहीं पे भी कुछ गर्ल्स अगर बोल दी कि थप्पड़ मार दिया इसने तो सब लोग पिटना है ये नहीं पूछेंगे कि गलती किसकी है तो यहाँ पे हो जाता है कि एक की ईगो के चक्कर में हमेशा जो मेल है उसमें तो वही कह रहा एक के स्वाभिमान की लड़ाई में कहीं दूसरे का स्वाभिमान न अनदेखा रह जाए वर्तमान रूपी परिस्थितियां दिखला रही हैं फिर से कहीं यह समाज न असंतुलित रह जाए ऐसा समाज नारी के अधिकारों को लड़ते-लड़ते कहीं पूरी रूपी समाज न पीछे छूट जाए ऐसा समाज फिर से हम कहीं ना वकलती दौड़ आए समानता से पहले तुझमें फिर से ना कहीं विषमता घुल जाए असमाज नारी के अधिकारों को लड़ते लड़ते कहीं पुरुष रूपी न समाज पीछे छूट जाए दो पहियों से बना यह समाज रूपी गाड़ी एक पुरुष है तो दूसरा नारी कहीं कोई एक पहिया न पंक्चर हो जाए अग्रशीलता के चक्कर में अग्रशीलता के चक्कर में कहीं फिर से यह समाज न पंक्चर हो जाए असमाज नारी के अधिकारों को लड़ते लड़ते कहीं पुरुष रूपी न समाज पीछे रह जाए शुक्रिया शुक्रिया अब मैंने इसी में फिर बेटों पे बेटों के ऊपर लिखा है ठीक है कद है कि बहुत सारे होते हैं जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए कमजोर है कमजोर होते हैं बच्चे हैं तो मैंने उस पर लिखा है कद्र उसे है पर वो जताता नहीं है कद्र उसे है पर वो जताता नहीं है परवाह है तेरी पर वो दिखाता नहीं है कंधे पर कई जिम्मेवारियां हैं अभी उसके इसीलिए परिवार से बिछड़ने का दर्द और अपनी आंखों की आंसू को भावनाओं के समंदर में मिलाता नहीं है बांधा <प्रावागा> बांधा है ऐसे, बांधा जिसे भावुकता की जंजीरों ने बांधा जिसे जिन बेटों को भावुकता की जंजीरों में ऐसे बेटों को समाज अपनाता नहीं है दिन भर थककर चूर होकर बिस्तर पर करवट बदलता है वो दिन भर थककर चूर होकर बिस्तर पर करवट बदलता है वो पूछता हर शाम अपने परिवार का हाल टूट कर भी जो ना टूटे ऐसा है बेटा का जाल पूछती है मां पापा और बहन भी फिर भी वो अपनी परेशानियों को जताता नहीं है घर जो किचन में वो खाना बनाए और बीबी उसकी बाहर कमाए तो ऐसे बेटों को समाज अपनाता नहीं है शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू